गिफ्ट ऑफ इंडिया बाय सरोजनी नायडू. राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी सी सी एंड सो ऑन. द थीम ऑफ द पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया इज टू थीम्स. द फर्स्ट थीम इज पेट्रियोटिज्म. पहला थीम पेट्रियोटिज्म है. दूसरा थीम है पोएम का इट्स एन एंटी वॉर पोएम ऑल्सो. राइट, पोएम के एंड में कुछ लाइन्स ऐसी हैं विच टेल अस दैट इट इज एन एंटी वॉर पोएम. द पोएम वॉज रिटन इन 1914 जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था एंड इंडियन सोल्जर्स जो है उनको भेजा गया था टू फाइट ऑन डिफरेंट लैंड्स. राइट, बिकॉज इंडियंस वर अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी सो दैट इज वाई उनको भेजा गया था टू फाइट फॉर द ब्रिटिशर्स इन डिफरेंट प्लेसेस. पोएम हैज बीन narrated by Mother India, right? So Mother India जो है इसमें पूरी poem में who is going to talk? Mother India बात कर रही. Is there aught you need that my hands with me? So Mother India says that कुछ भी ऐसा है जो तुमको चाहिए और मैंने तुमको ना दिया हो, withhold किया हो. किससे बात कर रही है Mother India? Mother India is talking to the Britishers, right? She is talking to the Britishers कि तुमको जो कुछ चाहिए था वो मैंने तुमको. Ought means anything, कुछ भी, या कुछ भी ऐसा है जो तुमने मुझसे मांगा और मैंने तुमको नहीं दिया. Right? I withheld, I held back. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. See, personification has been used in this line. क्यों? कौन personify किया गया है? Mother India has been personified. Mother India को personify किया गया है. Rich gifts of raiment or grain or gold. तो मैंने तुमको सब कुछ दिया. वो सब कुछ जो तुमको चाहिए था वो मैंने तुमको दिया. क्या क्या दिया? रेमेंट मीन्स गारमेंट. राइट, मैंने तुमको गारमेंट्स दिए. राइट, मेरे रिच गारमेंट्स तुमने ले लिए. मुझसे ग्रेन ले लिया, मेरा गोल्ड ले लिया. यू रिमेम्बर इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड. सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया. राइट, सो दैट इज इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री. बहुत richest थी इस कंट्री में, इसीलिए ये वेस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता. राइट, सो दैट इज व्हाई मदर इंडिया सेइंग कि मैंने तुमको सब कुछ दिया. तुमने मुझसे गारमेंट्स लिए, तुमने मुझसे ग्रेन लिया, तुमने मुझसे गोल्ड लिया. लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट प्राइसलेस प्रेशियस स्टोन फ्रॉम माय चेस्ट. और अब क्या कर दिया मैंने? लो, लो इज अ वर्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन. राइट, इट्स अ वर्ड when you want to tell someone ki suno, dhyan se meri baat suno. So that is a word low has been used for that. Right, be pay attention to what I am saying. I have flung to the east and the west. Mane in sari cheezon ke sath sath maine aur kya kar diya? East aur west ko, yani the countries in the east kon kon si thi? Persia thi. Western countries kon kon si thi? France and Flanders. Flanders माने Belgium. Flanders is an old name of Belgium, right? So क्या किया मैंने? मैंने flung means thrown. मैंने पूरी खुले छोड़ दिए. क्या? East को और West को मैंने दोनों हाथों से और क्या दे दिया? Priceless treasures torn from my breast. Priceless treasure. Now see, priceless treasures here is a metaphor. Metaphor क्या होता है? Metaphor is what? Metaphor is a figure of speech जहाँ पे comparison होता है without the use of like button. So priceless treasures torn from my breast. So मैंने अपने छाती चीर के भी क्या दे दिए? अपने priceless treasures, वो खजाना भी दे दिया जो मेरे लिए सबसे valuable था, बेश कीमती था, जिसका कोई कीमती नहीं थी. इतना इनवैल्यूएबल खजाना जो था मेरा. इनवैल्यूएबल खजाना क्या था भारत माता के लिए, मदर इंडिया के लिए? उनके सोल्जर्स, सन्स. तो प्राइसलेस ट्रेजर्स इज अ मेटाफर फॉर द सोल्जर्स, फॉर द इंडियन सोल्जर्स. राइट, सो प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माय ब्रेस्ट. यू कैन राइट इट डाउन. प्राइसलेस ट्रेजर्स इज अ मेटाफर फॉर द ब्रेव इंडियन सोल्जर.
तो मैंने प्राइसलेस ट्रेजर्स भी दे दिए, अपने बच्चे भी दे दिए, अपने बेटे भी दे दिए तुमको, एंड yielded the sons of my stricken. और क्या कर दिया, yielded माने surrendered, submit कर देना, किसी के सामने समर्पित कर देना, किसी को दे देना. तो मैंने अपने बेटे भी, जो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य थे, जो मेरे लिए बहुत कीमती थे, मैंने तुमको वो बेटे भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिए. ऑफ माई स्ट्रिकन वूम, स्ट्रिकन वूम माने सोरोफुल वूम. वूम क्यों सोरोफुल है, अफ्लिक्टेड क्यों है, स्ट्रिकन मीन्स अफ्लिक्टेड और सोरोफुल. वूम क्यों सोरोफुल है, बिकॉज क्यों, बिकॉज हमारे बेटे जो इस वूम से पैदा हुए हैं वो क्या है, वो जाके अपना उनकी लाइफ दे आर गोइंग टू सरेंडर फाइटिंग इन फॉरेन लैंड. And that won't be something which will make any mother happy. किसी भी माँ के लिए खुशी की बात नहीं होगी कि उसका बेटा जाए और मर जाए जाके कहीं, right? So that is why she is saying कि stricken womb उन्होंने कहा है. माने मैंने जो ये मुझे अपने बच्चों की लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ी तुम्हारी वजह से. That is why my womb is sorrowful because my sons will go and lose their life, that they have lost their life. So, इसलिए ये womb कैसा है, ये sorrowful है. So the drum beats of duty, the sabers of duty. So drum beats of duty because they are soldiers. तो उनको drum beats of duty, उनको call for duty जो है वो obey करना है, right? Whenever they will be asked to serve, उनको जाना पड़ेगा service करने. So I have sacrificed my sons to the calls of duty. मैंने अपने बेटों की कुर्बानी दे दी जब जब उनको उनके ड्यूटी ने, उनके फर्ज ने बुलाया, तब तब मैंने अपने बेटे सैक्रिफाइस कर दिए. द सेबर्स ऑफ टू, सेबर्स मींस क्या होता है, स्वॉर्ड्स. स्वॉर्ड्स जो नॉर्मली आगे से कर्व्ड होती हैं, दैट आर नोन एज सेबर. तो सेबर्स ऑफ टू, टू मींस डिजास्टर टाइम, राइट. सो व्हाई सेबर्स ऑफ टू, बिकॉज क्या होगा, when the soldier will go to fight, so obviously the chances are not very bright ki he will come back alive, right? To wahan pe jaake wo apni life gawa sakta hai, that is why. To vinash ke jo sabers the, wo sabers, wo swords jo ki uske vinash, usko vinash tak pahuncha sakte hain, wahan pe un ladaiyon ko ladne ke liye bhi maine apne bete bhej diye, qurban kar diye. Gathered like pearls in their alien place. So, the sabers of doom क्या है? Sabers of doom यहाँ पे metaphorical expression है, right? यहाँ पे क्या बताना चाह रही है? What does the poetess wants to say? She is telling कि war जो होती है एक ऐसी चीज होती है जो कि doom तक ले जाती है, which leads to disaster, which leads to the end. So, sabers of doom means sabers of doom is a metaphorical expression, right? एक metaphor के तरीके से use हुआ है कि sword जो होती है, swords जो हैं, see sword is a weapon, saber is a sword, sword is a weapon, right? Weapon क्या होता है? Weapon कब use करते हैं? War में use करते हैं, right? और war क्या होती है? War is the cause of disaster. It will lead to the end of humanity. So इससे भी she is trying to convey the message that वॉर जो है वो बहुत ही डिजास्ट्रस चीज टू दिस लाइफ. गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव. सो अब कहाँ है मेरे सोल्जर्स, मेरे बेटे कहाँ हैं? वो लड़ने के लिए गए और अब वो वहां पे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं. किसकी तरह से? गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन एलियन ग्रेव. एलियन ग्रेव बने क्यों? क्योंकि वो अपने देश वापस नहीं आए. सी ये जो सोल्जर्स जाते थे, ये जो इंडियन सोल्जर्स जाते थे विदेश लड़ने, वो मर मर जाते थे, तो उनको कभी भी their bodies were never sent back. India was not an independent country at that time. So all the soldiers who sacrificed their lives fighting for the British Empire in the foreign lands, unki body kabhi wapas bheji nahi jati. So that is why she says ki gathered like pearls in their alien graves. To mere bete kahan hai is waqt? मेरे बेटे इस वक्त बिल्कुल पर्ल्स की तरीके से पड़े हुए हैं, मोती की तरीके से हैं. कहाँ पे?
इन एलियन ग्रेव्स. एलियन ग्रेव्स माने विदेशी कब्रों में पड़े हुए. Why? Because their bodies were not brought back to their own country. Now, which figure of speech has been used here? यहाँ पे figure of speech जो use हुआ है वो क्या है? Simile. क्योंकि क्या है? Dead bodies of soldiers is compared to what? Pearls. Pearl, you know that moti. ठीक है? Pearl से compare किया गया है dead bodies of soldiers को. So the figure of speech जो यहाँ पे use हुआ है that is simile. Silent they sleep by the Persian sea. I told you कि अलग अलग troops में अलग अलग जगह भेजे गए थे soldier. तो कुछ कहाँ पे हैं? Persian waves के किनारे. Persia is like present day Iran, right? जो आज का ईरान है that was known as Persia. तो कुछ कहाँ है, कुछ की bodies कहाँ हैं? वो Persian waves के किनारे Persian shores में पड़ी हुई है, scattered है. Silent they sleep means that they have been killed. अब वो शांति की सुकून की नींद सो रहे हैं कहाँ पे? Persian waves के किनारे. Scattered like shells on Egyptian sand. और कहाँ हैं हमारे बेटे, हमारे sons और कहाँ हैं? They are scattered, बिखरे हुए हैं कहाँ पे? Egyptian sands में. किसकी तरीके से बिखरे हुए हैं? शेल्स की तरीके से. अगेन अ सिमिली हैज बीन यूज्ड. यहाँ पे भी सिमिली यूज हुई है. यहाँ पे सोल्जर्स की बॉडीज का कंपैरिजन किससे हुआ है? शेल से. अर्लियर द पोएटस हैज कंपेयर्ड द डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स टू पर्ल्स. पहले पर्ल से कंपैरिजन हुआ, अब शेल से कंपैरिजन हुआ है. शेल्स यू नो डीप. तो और कहाँ है हमारे सोल्जर्स की बॉडीज? दे आर स्कैटर्ड, बिखरी हुई है Egyptian की sands, Egypt की sands. They lie with pale brows and brave broken hands. और वो वहाँ पे pale brows क्यों? जब when a person dies, जब इंसान की death हो जाती है, तो उनके blood circulation stops and the body turns pale, पीला पन आ जाता है. So that is why pale brow. उनका जो brow है, उनका जो चेहरा है, वो कैसा हो चुका है? Brow means this portion, right? तो उनका जो ब्राउ है वो कैसा हो चुका है? पीला पड़ चुका है. They lie with pale brows. So the meaning is कि वो मर चुके हैं. They are dead. They are lying there dead. And their bodies have turned yellow. Right? Dead bodies जो हैं वो पीली पड़ चुकी हैं. And brave broken hand. और see लड़ाई में कोई जरूरी तो है नहीं कि bodies intact हो. किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई टुकड़ों में बिखरी पड़ी है. So and brave broken hand. और उनकी body जो है हाथ वाथ टूटे हुई bodies पड़ी हुई, broken hands, right? तो brave क्यों? क्योंकि वो लड़ते लड़ते अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते करते उनके हाथ वाथ टूट गए. ठीक है? So that is why the poetess is referring to them as brave. इसलिए poetess उनको brave कह रही है, क्योंकि वो बहादुर थे. वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते करते उनके लिम्स टूट गए, उनके हाथ टूट गए, कट गए, ये सारी चीजें. दे आर स्ट्रियन लाइक ब्लॉसम्स बोन डाउन बाय चांस, राइट? स्ट्रियन अगेन मींस स्कैटर, बिखरे. तो वो बिल्कुल ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स मींस फ्लावर्स, उनकी बॉडीज बिल्कुल फ्लावर्स की तरीके से बिखरी पड़ी हैं. बोन डाउन बाय चांस, बाय चांस मींस बाय लक. ये उनका लक था, ये उनका दुर्भाग्य था कि मोन मींस mower, you know that वो मशीन जो घास काटने के लिए यूज होती है, right? That is a mower. तो जैसे कि mower, जब mower क्या करती है कि घास को chop off कर देती है, ठीक है? ग्रास को chop off करने के लिए यूज होती है, काटने के लिए. तो the poetess says कि उनकी बॉडी बिल्कुल इस तरीके से बिखरी पड़ी है जैसे कि फूलों को chop कर दिया गया हो, फूलों को काट दिया गया हो. By using a bow, right? So it is a chance. By chance, उनकी bodies flowers की तरीके से, blossoms की तरीके से बिखरी पड़ी हुई है. Again, a figure of speech has been used, the same one that is simile. यहाँ पे भी simile use किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे dead body soldiers की bodies का comparison किससे हुआ है? Blossoms से, right? फूलों से कंपैरिजन हुआ है, बिल्कुल फूलों की तरीके से. ऐसे फूल
जिनको काट दिया जाता है मोवर का यूज करके, उस तरीके से उनकी बॉडीज वो बिखर जाते हैं, उसी तरीके से सोल्जर्स की बॉडीज आर स्कैटर्ड ऑन द ब्लड ब्राउन मेडोज ऑफ प्लांटर्स एंड फ्रंट्स. ब्लड ब्राउन मीन्स मेडोज. मेडोज क्या होते हैं? मेडोज आर द प्लेसेस जहाँ पे ये गाय भैंस कैटल वगैरह चरने जाते हैं, तो दोज आर मेडोज. तो मतलब ग्रासी एरिया. तो ऑन द ब्लड ब्राउन मेडोज, वो मेडोज जो कि ब्राउन कलर के हो चुके हैं, ब्लड व्हेन इट ड्राइज इट टर्न्स ब्राउन, ठीक है, जब खून सूख जाता है तो ब्राउन हो जाता है. तो उन लैंड्स में पड़े, कहाँ की लैंड्स? फ्लैंडर्स ऑफ फ्रांस. फ्लैंडर्स आई टोल्ड यू मींस बेल्जियम. बेल्जियम और फ्रांस की उन मेडोज में, जो कि कैसे हो गए हैं, जो कि ब्राउन कलर के हो गए हैं, और वो ब्राउन कलर के ब्लड ब्राउन कैसे हो गए हैं, क्योंकि हमारे सोल्जर्स का खून उसमें बिखरा है. सो द मेडोज हैव द लैंड ऑफ दोज मेडोज हैव टर्न्ड ब्राउन, द ब्लड ब्राउन मेडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, राइट. सो ये बिल्कुल ये फूल की तरीके से बिखरे हुए हैं. कहाँ पे बिखरे हुए हैं? ब्लड ब्राउन मेडोज में, जो कि फ्लैंडर्स और फ्रांस की ब्लड ब्राउन मेडोज. Mown down by chance का मीनिंग ये होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ सी, जब मोवर यूज किया जाता है तो बहुत ढेर सारी घास एक बार में कट जाती है, राइट. तो इसमें वन मोर थिंग द पोएटिस्ट वांट्स टू कन्वे कि दे वर किल्ड इन लार्ज नंबर, राइट. दैट इज व्हाई उन्होंने मोवर का कंपैरिजन यूज किया है, मोवर को यहाँ पे यूज किया है टू कन्वे कि लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड इन दोज वॉर in the battlefield. Now, ab in the next line, the poet says, "Can ye measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of the watch I keep?" So, in these lines, jo Mother India hai, wo pooch rahi hai Britishers se ki kya tum measure kar sakte ho un aansuon ko, kya tum naap sakte ho mere dukh ko. जो दुख एक मदर अंडर को करती है, व्हेन अ मदर हैज टू लूज हर सन, सो कैन यू मेजर द ग्रीफ, क्या तुम उस दुख को माप सकते हो, उस दुख को मेजर कर सकते हो जो मुझे, जो एक माँ को होता है, राइट. व्हेन शी वीप्स, व्हेन शी क्राइज ओवर द डेथ ऑफ हर सन. सी नाउ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज रिटोरिकल क्वेश्चन. इन दोनों लाइंस पे रिटोरिकल क्वेश्चन यूज किया गया है. नाउ व्हाट इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन? रिटोरिकल क्वेश्चन अगेन इज अ डिवाइस, इज अ पोएटिक डिवाइस, जो कि यूज की जाती है नॉट टू गेट द आंसर बट टू एम्फसाइज और मेक एन इम्पैक्ट. जब आप कोई चीज स्ट्रेस करने के लिए कहते हैं, कभी कभी आप पूछते हैं ना, जैसे कि व्हेन यू आस्क कि क्या हम पागल लगते हैं तुमको, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? यू डोंट वॉन्ट एन आंसर कि हाँ तुम पागल हो, ये जवाब नहीं चाहिए रहता है. वहां क्या चाहिए रहता है? बस टू मेक एन इम्पैक्ट कि दैट यू आर नॉट मैड, एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से कि नहीं मैं पागल नहीं हूं, राइट. क्या हम पागल हैं जो ये करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे योर ओनली मोटिव इज कि आप एक ड्रामेटिक इफेक्ट लाएं, आप एक बात पे स्ट्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट. सो रिटोरिकल क्वेश्चन एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसका मोटिव होता है टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट और टू मेक अ पॉइंट, राइट. आंसर वांसर लेने का कोई इंटेंशन होता नहीं है इन रिटोरिकल. तो यहाँ पे मदर इंडिया इज सेइंग कि तुमको आइडिया भी है उस दुख का, तुमको एहसास भी है, तुम नाप भी सकते हो वो दुख जो एक माँ को होता है जब वो अपने बेटे के लिए रोती है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मदर इंडिया इज नॉट एक्सपेक्टिंग द ब्रिटिशर्स की वो आके उसकी बात का जवाब देंगे, राइट. यहाँ पे सिर्फ वो अपने दुख की गहराई को व्यक्त करना चाहती है, राइट. शी इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस द पेन कि हमारा दुख कितना गहरा है, और कंपास द वू ऑफ द वॉच आई की. वो मीन्स पेन, सफरिंग, सैडनेस. कंपास मीन्स अगेन कॉम्प्रिहेंड,
क्या तुम समझ सकते हो उस पेन को, उस सफरिंग को जिससे मैं गुजरी हूँ, जिससे मैं गुजरती हूँ? अगेन इसमें भी मदर इंडिया हैज बीन पर्सोनिफाइड. सी मदर इंडिया हैज बीन पर्सोनिफाइड थ्रू आउट द पोएम, तो अब मैं उसको बार बार नहीं बताऊ. आई इज यूज फॉर मदर इंडिया, मदर इंडिया इज यूजिंग आई फॉर हरसेल्फ. ठीक है. और द प्राइड दैट थ्रिल्स टू माई हार्ट्स डिस्पेयर. तो नाउ मदर इंडिया इज सेइंग कि दुख तो है ही है मुझे. दुख किस बात का है? कि मेरे बच्चों ने अपनी जान गंवाई. राइट. मेरे बच्चे गए और वहां पे शहीद हुए. मुझे इस बात का दुख तो है, लेकिन उसके संग संग और भी एक क्या चीज है, एंड दैट इज प्राइड. के संग संग अलोंग विद द सोरो, अलोंग विद द पेन, देयर इज अनदर फीलिंग. एक और फीलिंग है मदर इंडिया के हार्ट में, एंड दैट फीलिंग इज द फीलिंग ऑफ प्राइड. वो प्राइड जिससे कि उनका हार्ट थ्रिल्स टू माई हार्ट्स डिस्पेयर, माने उनका हार्ट जो दुख से भरा है उसमें एक और फीलिंग आ जाती है, एंड दैट इज ऑफ प्राइड. प्राइड किस बात की? कि इतने ब्रेव सपूत मदर इंडिया ने पैदा किए, इतने ब्रेव सोल्जर्स मदर इंडिया ने पैदा किए, जो बहादुरी से लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत, तो उनकी करेज, अपने बेटों की करेज, अपने बेटों की स्ट्रेंथ, अपने बेटों के साहस के लिए मदर इंडिया इज फीलिंग प्राइड. एंड ये प्राइड, ये गर्व जो है उनके हार्ट को फिल देता है. उनका हार्ट में प्राइड की फीलिंग आती है. तो यहाँ पे दो फीलिंग है, राइट. इस पोएम में दो फीलिंग्स है. एक तो फीलिंग है दुख. पोएम, दिस पोएम इवोक्स टू फीलिंग्स. वन फीलिंग इज ऑफ पेन, सफरिंग, राइट, इनमेजरेबल पेन जो मदर इंडिया जिससे गुजरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दी. दूसरी फीलिंग है ऑफ प्राइड, जो उनको गर्व है अपने बच्चों की बहादुरी पर, अपने बेटों की करेज और साहस पर. एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ पेरेंट्स. और क्या है? एक उम्मीद है दैट द फार साइड ग्लोरियस विजन. और एक उम्मीद है जो कि उनको सुकून देता है, जो कि उनको कम्फर्ट देता है. द एंग्विश ऑफ पेरेंट्स, एंग्विश मीन सफरिंग, पेन, राइट. तो ये सफरिंग पेन तो है ही है, लेकिन उसके संग संग एक उम्मीद भी है. अब यहाँ पे कौन सी उम्मीद की बात कर रही है मदर इंडिया? मदर इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द होप ऑफ, होप फॉर इंडियाज फ्रीडम, राइट. कि एक दिन उनके यही बहादुर सपूत, एक दिन उनके यही बहादुर बच्चे उनको आजाद करवाएंगे. किससे? फ्रॉम द फॉरेन रूल एंड द होप दैट कम्फर्ट. तो इन स्पाइट ऑफ द पेन, वो तकलीफ, वो दर्द के संग संग एक उम्मीद भी है मदर इंडिया के मन में. एंड द फार साइड ग्लोरियस विजन्स आई सी ऑफ द डॉन रेड बैनर्स ऑफ इंडिया. दिस लाइंस आर इंपॉर्टेंट. एंड द फार साइड ग्लोरियस, अब यहाँ पे साइड ग्लोरियस विजन्स आई सी, माने मदर इंडिया कह रही है कि मुझे दूर से, दूर पे होने वाली घटनाएं दिख रही है, विजन दिख रहा है, मैं उस दृश्य को देख सकती हूँ, उस विजन को देख सकती हूँ जो कि सैड भी होगा और ग्लोरियस भी होगा. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर? दो ऑपोजिट फीलिंग्स बता रही हैं यहाँ पे, सैड और ग्लोरियस. सो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या करता है? ऑक्सीमोरॉन में यू मस्ट हैव डन इट. कोल्ड विद इन में यूज हुआ था ऑक्सीमोरॉन. कोलोन ग्रुप लाइन थी कोल्ड विद इन में लास्ट ईयर, कुछ नहीं यार. तो सैड ग्लोरियस, सैड एंड ग्लोरियस. देखो ऑक्सीमोरॉन होता क्या है? ऑक्सीमोरॉन में जब दो ऑपोजिट फीलिंग्स को एक साथ, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी फीलिंग्स को एक साथ यूज किया जाता है, राइट. सो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन, राइट. सो एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, माने मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का विजन दिख रहा है. मदर इंडिया इज होपफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट. वो अपने फ्यूचर के बारे में होपफुल है, राइट. तो कह रही है कि मुझे जो विजन दिख रहा है वो दुख भरा तो है, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोरियस भी है, शानदार भी है. दुख भरा क्यों है?
of the torn red banners of victory. माने मैं क्यों, क्योंकि मैं देख सकती हूँ रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, मुझे आप हिंदुस्तान की जीत के बैनर्स दिख रहे हैं, राइट, रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन दे आर टॉर्न, राइट, टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री का मतलब क्या है कि भारत आजाद हुआ है, मुझे ये विजन दिख रहा है. सी 1915 में जब ये पोएम लिखी गई तब इंडिया वॉज नॉट अ फ्री कंट्री. तो यहाँ पे मदर इंडिया किस बात की होप दिखा रही है कि एक दिन वो आजाद होंगी फ्रॉम द फॉरेन रूल, राइट. तो ये विजन वो देख रही है, वो विजन पार, इसीलिए वो विजन पार है क्योंकि अभी निकट भविष्य में उनको भारत आजाद होता नहीं दिख रहा है. तो दैट इज वाई शी हैज सेड एंड द पार सैड ग्लोरियस विजन आई सी. वो विजन पार जरूर है, लेकिन आई होप कि एक दिन, मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम उसको हासिल करेंगे. और वो विजन कैसा होगा, वो सैड तो होगा, उसके साथ साथ ग्लोरियस भी होगा, शानदार भी होगा. सैड क्यों होगा, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए बहुत ढेर सारे बेटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी मदर इंडिया को. सो सैड बिकॉज ऑफ दिस, राइट. सैड इसलिए क्योंकि आजादी जो मिलेगी वो ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए अ लॉट ऑफ सोल्जर्स, अ लॉट ऑफ सन्स, दे विल हैव टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ. इसलिए वो सैड होगा. और ग्लोरियस क्यों होगा, क्योंकि आजादी तो ग्लोरियस होती है ना, इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज ग्लोरियस, राइट. तो इसलिए सैड और ग्लोरियस दोनों यूज किया है. तो विजन क्या है, एंड व्हाट इज द विजन, द विजन इज दैट वन डे इंडिया विल बी फ्री. ये विजन है, और ये विजन सैड इसलिए है क्योंकि अ लॉट ऑफ सोल्जर्स विल हैव टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स टू अचीव इट, एंड ग्लोरियस इसलिए है क्योंकि इंडिया विल फाइनली अटेन इट्स फ्रीडम, राइट. इसलिए वो सैड भी है और ग्लोरियस भी है, ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री. और एक दिन ऐसा होगा कि इंडिया को विक्ट्री मिलेगी, लेकिन बैनर्स जो है वो खून से सने हुए होंगे, इसीलिए बैनर्स आर टॉर्न एंड रेड, राइट. रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री क्यों कहा गया है, टॉर्न क्यों है, क्योंकि इतने बच्चों की को अपने, मेरे इतने सन्स को अपनी लाइफ्स गंवानी पड़ेंगी, ऐसे आजादी नहीं मिलेगी. आजादी मिलेगी बहुत ढेर सारे ब्लडशेड के बाद, आजादी मिलेगी बहुत ढेर सारे खून खराबे के साथ. सी दीज आर द लाइंस जो कि बता रही है कि दिस इज एन एंटी वॉर पोएम, बिकॉज़ द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट ब्लडशेड, राइट. और वॉर में क्या होता है, वॉर में मेनी सोल्जर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ, ठीक है. यहां से शुरू हुआ है और आगे वाले लास्ट इसके अंदर तो पूरा पूरा एंटी वॉर के बारे में ही बात करता है. And the torn red banners of victory. So, वो banners, victory तो मिलेगी, banners of victory होंगे, जीत के झंडे लहराएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, they will be red because of the blood of Indian soldiers. हमारे बच्चों के खून से लाल होंगे and torn होंगे. Where the terror and the tumult of hate shall cease and life be refashioned on handles. So, Now she is hopeful of peace. कह रही है जब ऐसा हो जाएगा, जब ये देश आजाद हो जाएगा, तब क्या होगा दुनिया में, एक दिन ऐसा भी आएगा. Now she is again talking about the things which she wants to see in future, right? भविष्य में वो क्या चाहती है. When the terror and tumult of hate shall cease, माने एक दिन ऐसा भी आएगा इस दुनिया में जब भय और tumult माने confusion, noisy confusion, जब ये सारा confusion आपाधापी पावरफुल कमजोर को डराना सताना ये सब खत्म हो जाएगा. शैल सीज, सीज मींस स्टॉप. ये पूरा स्टैंडर्ड जो है इधर ये कुछ लाइंस जो है इसमें मदर इंडिया होप बता रही है अपने फ्यूचर के बारे में, राइट, अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द फ्यूचर ऑफ इंडिया. कि एक दिन ऐसा आएगा जब टेरर, जब भय और ट्यूमल्ट, कंफ्यूजन जो है ये सब क्या होगा, This will come to an end. This will cease. This will stop. And life be refashioned on annals of peace. और एक दिन ऐसा भी आएगा जब life जो है
फिर से रीफैशन की जाएगी, फिर से रीडिजाइन की जाएगी ऑन एनविल्स ऑफ पीस। एनविल क्या होते हैं? एनविल्स आर द ह्यूज ब्लॉक्स जिसमें की मेटल रख के ठोका पीटा जाता है ताकि उसको शेप दिया जा सके, राइट। तो आयरन के ब्लॉक्स होते हैं जिसमें लाइक स्पेशली कोई और मेटल रख के उसको मारा जाता है, ऊपर से एनविल के ऊपर रखा जाता है। ब्लॉक्स ऑफ आयरन होते हैं एनविल जिनमें कोई और मेटल रख के मारते हैं सो दैट टू गिव इट सम शेप। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एनविल्स ऑफ पीस लाइफ नए सिरे से रीफैशन होगी, रीडिजाइन की जाएगी, किसमें? शांति के रास्ते पे लाइफ को रीडिजाइन किया जाएगा। मतलब एक दिन आएगा जब इस दुनिया में सारी लड़ाई, खून खराबा, टेरर, आतंक, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब एंड हो जाएगा और लोग शांति के तरीके से, शांति को, पीस को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे, राइट। दे विल ट्राई टू लिव देयर लाइफ्स पीसफुली, राइट। अपनी जिंदगियों को रीफैशन करेंगे, फिर से नए सिरे से डिजाइन करेंगे जो कि शांति वाले रास्तों पे बेस्ड होगी, शांति के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगी, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, डराना, अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना, इन सारी चीजों पे नहीं। और जब ऐसा दिन आएगा एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल टाइम, सो दिस मदर इंडिया इज सेइंग टू द ब्रिटिशर्स, जब ऐसा दिन आएगा तब योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स, तब तुम लोग जो है मेमोरियल थैंक्स दोगे, तब तुम लोग अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, राइट। किसको? तब तुम लोग ट्रिब्यूट दोगे किसको? हमारे सोल्जर्स को जिन्होंने जाके अपनी जिंदगी कुर्बान की तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन डॉन्टलेस मैन, डॉन्टलेस मींस ब्रेव, कॉमरेड्स माने फेलो सोल्जर्स। सो शी इज टॉकिंग टू द ब्रिटिश सोल्जर्स कि एक दिन जब ऐसा आएगा जब सब तरफ शांति होगी तब तुमको भी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन का, हमारे बेटों के कॉन्ट्रीब्यूशन का एहसास होगा, राइट, कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगियां गवा दी, तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपनी जिंदगियां गवा दी। और तब तुम क्या करोगे? देन यू विल पे होमेज टू देम, देन यू विल पे रिस्पेक्ट टू देम, देन यू विल पे ट्रिब्यूट टू देम। तब तुम हमारे सैनिकों को, हमारे उन बेटों को श्रद्धांजलि दोगे। टू द कॉमरेड्स हू फॉट ऑन डॉन्टलेस मैन, अपने उन साथियों को, कॉमरेड्स माने फेलो सोल्जर, यहाँ पे अपने उन फेलो सोल्जर्स को, अपने उन साथियों को जो कि डॉन्टलेस रैंक्स में, जो कि बाय वर्च्यू ऑफ देयर ड्यूटी, By virtue of their rank, अपनी पोजिशन जो उनकी थी आर्मी में, उसमें वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। And you honor the deeds, and you honor the deeds of the dauntless one. Remember the blood of my martyrs. और जब भी तुम लोग honor करोगे of the dauntless one, जब भी बहादुरों को, बहादुर सैनिकों को honor करने की बात आएगी, जब भी बहादुरी का सम्मान करने की बात आएगी, तब तुम लोग याद करोगे remember the blood of my martyrs. तब तुम लोग मेरे शहीद बच्चों को के खून की कुर्बानी को याद रखोगे, तब तुम उस लहू को याद रखोगे जो मेरे बच्चों ने तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते बहाया है, तो जो मेरे बच्चे तुम्हारे लिए शहीद हुए। देन एट दैट टाइम यू विल रिमेम्बर द सैक्रिफाइस, द ब्लड ऑफ माई मार्टर्ड सन। तो this ends the poem. Any problem?